a fine arts applied art second year ki student hu. Jab main first year mein thi to sir ke dwara sir ne mujhe targeted kiya. Mujhe aisa feel hota tha, even mere classmates ko bhi ye feel hota tha ki sir zyadatar mujhe target karte hain, jo ki unhone mere ko personal comments kiye hain, just like ki aap raat mein 3 baje tak jaake kya karti hain, agar aapke neck mein pain hai to main aapko yoga bataunga, and aap ek se pyar karti hain ki nahi char se pyar karti hain. तो ये जो क्वेश्चंस होते थे पूरी क्लास के सामने, जो कि मुझे अनकंफर्टेबल करते थे, आप कौन सा घी खाती हैं, आप देसी घी ना खाया करिए, आप ऑलिव ऑयल खाइए. और अभी भी वो इंसान इस यूनिवर्सिटी के अंदर है. हमने इतने बार कंप्लेन करी है रजिस्ट्रार के पास, हम अपने पर्सनल इश्यूज लेकर गए, तो जब हमने वहाँ पर कंप्लेन करी तो उन्होंने कहा कि पास्ट की बातें भूल जाइए. हम कैसे भूल जाएं जो हमारे साथ हुआ है? इवन अगर वो इंसान इस यूनिवर्सिटी में रहेगा और डिपार्टमेंट में रहेगा, इस बात की गारंटी है क्या कि वो दोबारा ये सब नहीं करेंगे? तो इस टाइम हम उनका सिर्फ टर्मिनेशन चाहते हैं. बात करें तो हमने सर का जो स्टूडियो उसको घेराव किया, तो घेरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़े, तो कुछ उसमें से गर्ल्स थी जो वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए आगे आ रही थी, बात करने के लिए आगे आ रही थी, तो आई एम वन ऑफ देम. जामिया के अपने बुल्स सर के साथ जरूर थे आगे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो जामिया के स्टूडेंट्स ही हैं, जो हमारे मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिस तरह की बातें वो लोग कर रहे थे. हमने बार बार उनको बोला कि आप हाथापाई हमसे मत करो, हमें क्यों मार रहे हो. करने करने के बाद भी उन लोगों ने 2-3 बार लड़कियों को गिराया, धक्का दिया, उनके पेट पे लात वात मारी, जिस तरह की उन सब एक्टिविटीज़ में. इवन जब हम ऑफिस के बाहर आ गए उसके बाद भी बीच पेचाब करवाते हुए मैं बीच में गई, तो उन्होंने मेरे को पूरे बाल पकड़ के, मेरे हाथ पे पूरे स्क्रैचेस थे, पूरे दुपट्टा उपट्टा सब इस तरह से. तो मतलब वेरी वर्स्ट कंडीशन जो, एंड आई वॉज वेरी शॉक बिकॉज दिस इज हैपन इन फ्रंट ऑफ HOD हफीज अहमद साहब के सामने सब चीज़ें हो रही हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि तुम क्यों मार रहे हो. सेक्सुअल हरासमेंट की अगर हम बात करें तो ये कोई नया नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट जामिया में होते आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया है, क्योंकि अगर कोई हरासमेंट होता है किसी प्रोफेसर के तरफ से तो अगर हम कंप्लेन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम देखते हैं कि उल्टा हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है. और अगर हम ICC की बात करें, जो कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, अगर हम वहाँ जाते तो पहली बात हमें तो पता ही नहीं है कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी का ऑफिस कहाँ पर. इट्स जस्ट ऑन द पेपर टू शो द MHRD एडमिनिस्ट्रेशन पे जो हरासर होता है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. तो ये जो मूवमेंट, आई रियली होप कि इट एक्ट लाइक अ मीटू मूवमेंट फॉर द जामिया, फॉर ऑल द जामिया डिपार्टमेंट्स. एंड आई रियली होप कि बहुत सारे जितने भी केसेस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, जो सबको पता है कौन प्रेडेटर्स हैं, और सारे मूवमेंट्स ऐसे आए. और अगर हम ICC की बात करें तो हमारा जो डिमांड है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है कि हमें बस टर्मिनेशन चाहिए HOD का. वी रियली होप कि अब हम ICC लेके भी जाएंगे और स्टूडेंट यूनियन भी लेकर जाएंगे. Oh, okay.